रॉयल प्रॉपर्टीज से फैसल रिजवान रेंद बहावलपुर शहर की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये अरीना मार्ग बनने जा रहा है। ये टोटल कितनी स्टोरीज है, कितने फ्लोर है, कितने स्टोरी बिल्डिंग है? ये एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आता है या टीएमए के एरिया में आता है? और इसकी आपके पास 100% इसकी अप्रूवल्स मौजूद है सर? आप अपने क्लाइंट्स को कब ये हैंड ओवर करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप एवरीवन इज ऑन राइट। टुडे वी आर बैक विद द कंस्ट्रक्शन अपडेट्स ऑफ अरीना मॉल। आज हमारे साथ हैं फैसल रिजवान साहब, हु इज़ द सीईओ ऑफ रॉयल प्रॉपर्टीज़। हमने इनको इनवाइट किया है यहाँ पे अपनी साइट को विजिट कराने के लिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें हमारे इदारे को यहाँ पे इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अरीना जो है, अरीना मॉल, ये बहावलपुर, क्योंकि बहावलपुर मेरा शहर है और मेरे शहर में जो अच्छा काम होगा और उसको मैं आज स्पेशली इसको सिर्फ विजिट करने के लिए DHS से यहाँ पर आया और देखने के लिए कि शहर में एक अच्छी चीज़ बन रही है। काफ़ी दिनों से इस पर मैं सोच रहा था कि मुझे अरीना का विज़िट करना चाहिए। आज हमने इसका थॉरली विज़िट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, हमने इसकी डेवलपर्स भी देखी है और माशाल्लाह इसका जो काम है बहुत एक अच्छा मेरी काम मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे कुछ दो चार सवाल हैं जो जिसमें सर ये बताएंगे कि ये टोटल कितनी स्टोरीज है, कितने फ्लोर्स हैं, कितने स्टोरी बिल्डिंग है, ये पहले तो इसके ऊपर बताएंगे। बेसिकली मैं अरीना मॉल को थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 5 करार पे बिल्डिंग मौजूद है, गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट है, जो हमारे पहले के डाउट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट है, 185 इसका नंबर है और ये 5 करार पे बिल्डिंग है। अगर मैं इसकी फ्लोर वाइज बात करूँ तो इसके टोटल 11 फ्लोर हैं। फ्रॉम द बॉटम अगर हम देखें तो इसका पहले पार्किंग रैंप है 30 फीट का, जहाँ से गाड़ी की टैग एंट्री के थ्रू अंदर जाएगी, और इसके 2 फ्लोर डिजिटल कार पार्किंग के हैं जो पहले साउथ पंजाब में किसी के भी नहीं है। उसके ऊपर है इसका 3rd फ्लोर विच इज़ कॉल्ड लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड के ऊपर हम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड, जो भी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता बट लेटर ऑन हम कर लेंगे, वो लेकर आ रहे हैं, जो बहुत जल्द यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद है इसका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर इसका जो है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 32 शॉप्स हैं और अगर एवरेज शॉप अगर आप देखें तो वो 236 स्क्वायर फीट की है। छोटी शॉप्स भी हैं, बड़ी शॉप्स भी हैं, डिफरेंट साइजेस की शॉप्स हैं। और इसका एट्रियम जो है बेसिकली अरीना वर्ड्स का मतलब है कि खुली जगह, खुला मैदान। जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको एक 65 फीट का एट्रियम मिलता है। मेरी अगर बैक साइड पर आप दिखा सकें तो इसकी भी 40 फीट हाइट है और 40 फीट इसकी विड्थ भी है। तो इसको भी हमने जो बाहर इसका जो डिज़ाइन हमने लिया हुआ है वो बहावलपुर ओल्ड स्टाइल जैसे हैं, बहावलपुर के वहाँ से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ भी उस तरह का डिज़ाइन हो ताकि लोकल इमोशनल फीलिंग आए लोगों को यहाँ पे आने के लिए। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर की बात, अगर मैं 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर की बात करूँ तो ये तीनों फ्लोर एक ही तर्ज के हैं, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर। ऑन ईच फ्लोर देर आर 32 शॉप्स और एवरेज साइज वही है 236 स्क्वायर फीट का। उसके बाद है इसका 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर के ऊपर हम लोग फूड कोर्ट बनाने चाह रहे हैं। फूड कोर्ट के अंदर 14 लाइव किचन होंगे, उसके साथ इसका गेमिंग जोन भी है, वो भी बड़ा हाई स्टैंडर्ड का हम बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ इसका बॉलिंग एले भी होगा। ये भी आपके साउथ पंजाब में पूरे में बॉलिंग एले भी नहीं है। उसके बाद आता है इसका 4th और 5th फ्लोर। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर कमर्शियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी दिए हैं। 4th और 5th फ्लोर पे इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उसमें 1 बेडरूम भी है और 2 बेडरूम भी है। 1 बेडरूम जो है वो 621 स्क्वायर फीट है और 2 बेडरूम जो है वो 880 स्क्वायर फीट का है, और ये बहुत ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है अपार्टमेंट, ठीक है। उसकी एंट्रेंस डेडिकेटेड है फ्रॉम द बैक साइड। ओके, इसके ऊपर इसका 6th फ्लोर है। 6th फ्लोर जो है हमने पूरा डेडिकेट किया हुआ है हेल्थ क्लब को। हेल्थ क्लब के ऊपर आपको वहाँ पे एरोबिक्स मिलेगा, जिमनेजियम मिलेगा, लेडीज एंड जेंट्स सैलून मिलेगा और स्काई व्यू के साथ आपको स्विमिंग पूल मिलेगा और उसके साथ एक इन्फिनिटी पूल भी होगा। तो 2 पूल भी हमने वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं जो स्काई व्यू के साथ होंगे। उसके बाद इसका लास्ट फ्लोर है आखिरी, जो ग्राउंड प्लस 7 है बट एक्चुअली इट्स एन 11th फ्लोर अगर आप बॉटम से देखें। तो उस 11th फ्लोर के ऊपर हम इसका रूफ टॉप रेस्टोरेंट लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे बहावलपुर में एक अच्छे क्लाइमेट के अंदर लोग आके बैठें और रूफ टॉप में अपने फूड को एंजॉय करें। ऑन दैट तभी आपके इसमें से एक सवाल मुझे जो जहन में आया कि आपने बताया कि ये अप्रूव्ड है, ये एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आता है या टीएमए के एरिया में आता है? टीएमए के एरिया। और इसकी आपके पास 100% इसकी अप्रूवल्स मौजूद हैं, जहाँ लाइक इसमें जो भी टीएमए के जो अप्रूवल्स हैं, जो बायलॉज हैं, तमाम को फॉलो कर रहे हैं? तमाम बायलॉज को हम फॉलो कर रहे हैं। इसकी अप्रूवल नंबर डेफिनेटली, जब हम टीएमए में अपनी कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए, तो वो अपने सारे सराउंडिंग्स की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करने के बाद ही हमें जो है ना वो अप्रूवल देते हैं।
तो वो अप्रूवल हमारे पास है, 185 उसका नंबर है। और वैसे भी हर बंदे की एक्सेस है टीएम में, वो आके जाके डायरेक्टली भी अप्रोच करके चेक कर सकते हैं, उसके अप्रूवल नंबर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि आपके माशाल्लाह से जो बेसमेंट है वो दो जो है वो पार्किंग की बेसमेंट भी रेडी हो चुकी है, एक आपका लोअर ग्राउंड भी रेडी हो चुका है, ये फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। कंप्लीशन टाइम सर, ये ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, कंप्लीशन टाइम सर, आप अपने क्लाइंट्स को कब ये हैंड ओवर करने जा रहे हैं, जब यहाँ पर आकर अपनी शॉप और अपना जो है वो आउटलेट को अगर वो रेंट आउट करना चाहते हैं या वो खुद करना चाहते हैं? हाँ, ये और ये है कि वो यहाँ की जो शॉप होगी उसको खुद भी रेंट आउट कर सकेंगे या ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है कि किसी ब्रायर से एंगेज करके आप लोग देंगे उनको? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी हम यहाँ पे शॉप सेल कर रहे हैं उनका आगे ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट कराना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हमारी जो फाइल जो हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं इसके अंदर क्लियरली मैंशन है, ये 2025 के एंड तक, दिसंबर से पहले पहले हम इसको पूरे मॉल को जो है वो ऑपरेशनल भी कर देंगे और क्लाइंट को हैंड ओवर भी कर देंगे। लेकिन हमने कुछ थोड़ा सा प्री प्लान चीज़ें की हुई हैं कि इसके जो कुछ स्टोर जो बन चुके हैं, लाइक इसका जो हम फोर्थ फ्लोर पे भी हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर, इसके नीचे लोअर ग्राउंड है, पार्किंग वन है, पार्किंग टू है, तो ये चार फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तक हम नेक्स्ट टू मंथ्स के अंदर ऑपरेशनल कर देंगे। मैं रॉयल प्रॉपर्टीज से फैसल रिजवान रिंद, आपको आज हमने विजिट करवाया अरीना मॉल का और उनके जो डायरेक्टर सेल्स हैं, आपकी उनसे गुफ्तगू सुनी, हमारे व्यूवर जो इसको देख रहे होंगे, बहावलपुर शहर की प्राइम लोकेशन जो सर्कुलर रोड है उसके ऊपर और किस मॉल के इर्द गिर्द ऑलरेडी ब्रांड्स मौजूद हैं, मेरे बैकग्राउंड में भी आपको कुछ ब्रांड नज़र आ रहे होंगे, इसके सराउंडिंग भी राइट लेफ्ट दोनों साइड्स पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सर्कुलर रोड जो है बहावलपुर का सबसे प्राइम रोड है और उस प्राइम रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये अरीना मार्ग बनने जा रहा है। हाईली रिकमेंडेड है तमाम उन लोगों के लिए जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। हम भी एफिलेटेड हैं अरीना मॉल के साथ और आप अरीना मॉल को डायरेक्टली भी कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। रॉयल प्रॉपर्टीज को हाईली रिकमेंड करती है कि आप यहाँ पर आपका लगाया हुआ सरमाया, आपकी हलाल की कमाई, रिज़्क की हलाल की कमाई किसी जगह पर ज़ाया नहीं होगी। आज ही हमसे रब्ता कीजिए, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, +92301 868 5076। आप हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, +92301 868 5076। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।